नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में आज हम चर्चा क्या करेंगे, आज हम पूरे हफ्ते का बाजार किस तरह का रहा है उस पर एक आपको नजरिया देने की कोशिश करेंगे, और ये जो पूरा वीकली ट्रेंड रहा है या फिर अगले हफ्ते क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कहां पर हमें नजर रखनी है, कहां हमें सतर्क रहना है, ये सारा नजरिया हम एक्सपर्ट्स के जरिए से देंगे। लेकिन बाजार अगर हम इस पूरे हफ्ते देखें तो कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव तो नहीं कहेंगे इसे हम एक रोलर कोस्टर राइड कहेंगे, कि बाजार की जब खासतौर पे निफ्टी की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि 22,400 के करीब इसकी शुरुआत होती नज़र आई, और उसके बाद एक डिक्लाइन नज़र आया। डिक्लाइन होते होते अगर हम निफ्टी को देखें तो एक वक्त ऐसा आया कि फिर बाजार ने दो दिन पहले एक ज़बरदस्त उछाल दिया, लेकिन अगले ही दिन जो है उस बाजार में जिस तरह की दबाव नज़र आया उसने पूरी तरह से बाजार में एक तरह से निवेशकों में एक घबराहट का माहौल पैदा किया। लेकिन ये करेक्शन लाजमी था, इलेक्शन से पहले इस तरह की तमाम करेक्शन आम तौर पे आते हैं, और हमने इस हफ्ते ये देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का जो बर्ताव था ये बिल्कुल जुदा जुदा था। जिस दिन निफ्टी चल रहा था उस दिन निफ्टी बैंक नहीं चल रहा था, कई मौके ऐसे आए। अगर हम अब यहाँ से देखें तो बड़े बड़े इवेंट सामने आने वाले हैं, कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा और तमाम डिटेल्स सामने आएंगी, और इसके बाद इलेक्शन की तमाम जो बातें हैं उसका प्रभाव जो है वो बाजार में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा खबरों वाली चीज़ें तो रहेंगी ही, तो ये आमतौर पर हम बाज़ार को इस वक्त जिस तरीके से देख रहे हैं। अब इस बाज़ार में अगर हम देखें तो साफ तौर पर जो तेज़ी नज़र आई, अगर इस वीक के गेनर्स को देखें तो आप देखिए TCS, ब्रिटानिया, इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा, ये अहम स्टॉक रहे जो कि इस हफ्ते गेनर्स की श्रेणी में, जी हाँ, इस हफ्ते इन्होंने अच्छी रैली दिखाई। TCS, ब्रिटानिया, रिलायंस इंफ्रा, इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिसिल भी एक स्टॉक रहा जहां पर हमने इस वीक अच्छे संकेत देखे। इन स्टॉक के अलावा अगर हम देखें तो आप देखिए नेस्ले इंडिया में भी इस हफ्ते अच्छा मूड रहा, यहां पर भी आपको अच्छी तेजी नजर आई, और नेस्ले इंडिया ने भी थोड़ा सा जिगजैग का फॉर्मेट आपको ज़रूर दिख रहा है, लेकिन नेस्ले इंडिया ने भी बेहतर तरीके से संकेत दिखाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हफ्ता थोड़ा सा टर्बुलेंस भरा ज़्यादा रहा, तो झटके कहाँ कहाँ लगे। जो NTPC एक बेहतरीन रन में चल रहा था वहाँ पर ज़बरदस्त करेक्शन आया और 10% से ज़्यादा NTPC भी टूटते हुए नज़र आया। वहीं बात करें टाटा स्टील की, वैसे टाटा ग्रुप के बाकी कई शेयरों में दबाव नज़र आया खबरों की वजह से, लेकिन टाटा स्टील में जो है यहाँ पर लगभग 10% की गिरावट इस हफ्ते नज़र आई। कोल इंडिया, जी हाँ, क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो हम बता रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते के ये टॉप लूज़र, कोल इंडिया में भी लगभग 9.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके अलावा SBI में भी करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन हमें इस हफ्ते नज़र आया। बात करें बाकी अहम स्टॉक्स की तो आप देखिए कि पावर ग्रिड ने भी पावर स्टॉक्स में अच्छी रैली दिखाई थी, खुद NTPC के साथ जो उसकी रैली नज़र आ रही थी वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते पावर ग्रिड में भी अगर हम पूरी तरह से देखें तो दबाव भरा बाजार नज़र आया। तो ये वो अहम स्टॉक्स थे। टाटा मोटर्स में भी गिरावट का आलम नज़र आया, और लगभग बाकी स्टॉक्स की जिनकी हम तेज़ी की बात कर रहे हैं उसमें क्रिसिल ने अच्छा मोमेंटम दिया, करूर वैश्य बैंक ने अच्छा मोमेंटम दिया, जो इस हफ्ते के गेनर्स में नज़र आए। तो ये तो बात हुई बाज़ार की और बाज़ार के उन अहम स्टॉक्स की जो कि इस हफ्ते जिन्होंने अपवर्ड ट्रेंड्स दिखाया और जिन्होंने निराश किया। चलिए अपने साथ चर्चा में हम दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ रवि सिंह और निमेश ठाकर साहब जुड़ चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। निमेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आप आज और पूरे हफ्ते के बाज़ार को, जैसा मैंने कहा कि एक होती है रोलर कोस्टर राइड, लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड से अलग ही थी, सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे थे, और बाज़ार में कई करेक्शन ऐसे आए जहां पर लोगों ने ज़बरदस्त एंट्री की, लेकिन अगले ही पल किस तरह से बाज़ार में गिरावट का आलम बना
उसने बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ाई। अब यहाँ से अगर हम पूरे हफ्ते के बाजार को इवेल्युएट करें और फिर आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के रन को देख समझना चाहें, तो आपका विश्लेषण क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से पर्टिकुलरली हम लोग बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो वहां पर डेफिनेटली एक वैल्यूएशन स्टेज थे और कहीं कभी ना कभी ये करेक्शन आने थे, वो पिछले काफी टाइम से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेकेंड थिंग, ये करेक्शन कितने स्टीप होंगे, मेरा मानना है कि अगर आप देखें जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम लोग पिछले 2 दिनों से न्यूज फ्लो आ रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं एसआईपी की बात करूंगा, एक नजरिया कि 19,000 करोड़ का एसआईपी का फ्लो है म्यूचुअल फंड का, जिसके अंदर रफली 40% अमाउंट जो एसआईपी जाती है वो स्मॉल कैप के टूवर्ड्स जाती है। यानी अगर 19,000 की कैलकुलेट करें तो रफली 7,500 करोड़ के आसपास एवरी मंथ जो म्यूचुअल फंड का फ्लो आएगा वो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट होगा। अब इतना सारा फ्लो जो रहेगा, तो यहाँ से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर यहाँ से कोई बड़ा शार्प करेक्शन आ जाएगा। डेफिनेटली जो स्टॉक स्पेसिफिक है वहां पर करेक्शन आएंगे, जहां पर वैल्यूएशन स्टेज है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बट ब्रॉडर सेंस में अगर इंडाइसिस की बात करें तो इंडाइसिस के अंदर मुझे लग रहा है कि फिलहाल यहाँ से जो कुछ भी करेक्शन आना था वो आ गया है। यहाँ से हम लोग एक ग्रेजुअल रिकवरी देखेंगे, बहुत बड़ी जैसे पिछले टाइम में रैली देखी थी ऐसी रैली नहीं आएगी, बट शार्प फॉल भी नहीं आएगा, एक रेंज के अंदर रहने का कारोबार रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है, पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसिस, क्योंकि जो लिक्विडिटी फ्लो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये नज़रिया बाजार में यहाँ के वीकली ट्रेंड्स के आधार पे ये नज़रिया इस वक्त निमेश जी का आता हुआ। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम इस पूरे हफ्ते जिन स्टॉक्स की रैली की मैंने बात की है, जिसमें हमने देखा कि TCS, ब्रिटानिया, नेस्ले, रिलायंस इंफ्रा, क्रिसिल, ये सभी थे, करूर वैश्य बैंक भी उसमें शामिल था, दबाव उन स्टॉक्स पे नजर आया जिन्होंने बहुत शानदार रैली दिखाई, खासतौर पे पावर स्टॉक NTPC और पावर ग्रिड भी इसमें शामिल रहे। टाटा ग्रुप के अहम शेयर्स थे, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील यहाँ पर नजर आया, कोल इंडिया जैसा स्टॉक भी इस हफ्ते के जो कह सकते हैं कि वीकली लूजर की श्रेणी में आया। अब यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक अगर रणनीति देखी जाए तो फिर क्या आप देखते हैं, या वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप मानते हैं कि करेक्शन के बाद एक बेहतर उछाल नजर आ सकता है? हालांकि मैं आपको यहाँ पर शुक्रिया भी करूँगा, क्योंकि कल जब हम चर्चा कर रहे थे और जिस तरह से आपने रेलवे स्टॉक्स में नज़रिया दिया था और जिस तरह की रैली कल नज़र आई और उसके बाद रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह की तेज़ी नज़र आई, उसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि ये करेक्शन एक मौका है इन स्टॉक्स में जहां पर लोग एंट्री नहीं बना पाते हैं। हालांकि आज हम बाजार में देख रहे हैं कि एक बार फिर गिरावट हावी होती नज़र आई, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ देख रहे हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। और प्रशांत जी, कल भी मैंने निफ्टी के लेवल्स की बात की थी, मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, कल मैंने कहा था कि अगर 22,200 के ऊपर निफ्टी निकल गया तो फिर आप ये मान के चलिए कि निफ्टी में गिरने के लिए आप कुछ नहीं है, और अब कहीं ना कहीं से 21,900 का एक बॉटम बन चुका है, और मैं समझता हूं कि इन लेवल्स को बहुत पर्टिकुलर ध्यान रखें। जब तक 21,900 के ऊपर है तब तक बहुत ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डिप अगर है भी तो ये एक अच्छा है, कंसोलिडेट करेगा तो एक नया पुल बैक यानी एक नई रैली के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की स्टॉक स्पेसिफिक। देखिए, आपने अभी प्रशांत जी जिन स्टॉक्स की चर्चा करी या फिर जिन सेक्टर की चर्चा करी, जैसे आपने डिफेंस के काउंटर ले लीजिए, टाटा के काउंटर्स ले लीजिए, रेलवे के काउंटर्स ले लीजिए, मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर कहा कि ये एक मौका है दो लोगों के लिए। एक पहला कि जो नए लोग निवेश करना चाहते हैं उनको कितना निवेश करना चाहिए, नए लोग जो निवेश करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के पास 100 रुपए है तो उसको फोकस करना चाहिए कि वो 70-80 रुपीज यहाँ पर डाल दे, और थोड़ा सा एक करेक्शन ड्यू अगर है यहाँ पर, थोड़ा करेक्शन और मिलता है 5-7% का, तो वो भी 30% जो बचता है वो भी डाल दे। अब आ जाते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनको लॉस आ रहा है, जो फंसे हुए हैं, उनके लिए एक मौका ये है कि इन लेवल्स पर 20% अपनी पोजिशन पूंजी जुटाइए, अपने जो लॉसेस वाली पोजीशन है उनको एवरेज कर लीजिए। देखिए, मार्केट जब चलता है तो कुछ नहीं पूछता क्या चल रहा है, जब मार्केट गिरता है तब भी ऐसा ही होता है, और जिन स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे आप पावर सेक्टर से देख लीजिए, डिफेंस काउंटर से, स्टॉक स्पेसिफिक पे जाइए, आप PTC देखिए, NHPC देखिए, REC देखिए, टाटा पावर ग्रिड देखिए, टाटा पावर देखिए,
तो इन सब में जो ये करेक्शन कंसोलिडेशन दिख रहा है आने वाले 3 महीने में जबरदस्त रैली यही काउंटर दिखाते हुए नजर आएंगे, तब आपको मौका नहीं मिलेगा, आप सोचते रह जाएंगे। तो इसलिए पेशेंस रखिए, डरिए नहीं, डर मार्केट डरने वाला है ही नहीं है। तो मुझे लगता है इन काउंटर और इन स्टॉक्स को फोकस यहाँ पर जरूर बनाना चाहिए। तो ये हमने आपके सामने इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पे एक नज़रिया, इस पूरे हफ्ते को हमने स्कैन भी किया, हमने बहुत बारीकी से एक एक स्टॉक के बारे में बातचीत की और उसके साथ ही किन सेक्टर्स पर नज़र रखनी है हमारे एक्सपर्ट ने उस पर आपको बेहतर नज़रिया दिया। लेकिन चलिए अगले हफ्ते किन बड़े इवेंट्स पर हमें नज़र रखनी है ये जान लेते हैं, और बहुत ज़रूरी है मार्केट में आने वाले वक्त के लिए। हमारी सहयोगी तृप्ति जुड़ चुकी हैं, बताइए तृप्ति अगले हफ्ते कहाँ रखनी होगी नज़र? जी हाँ, तो अगले हफ्ते जिन खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली है उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात चाइना की, तो अगले हफ्ते चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल बिक्री और बेरोजगारी दर के आंकड़े आने वाले हैं। इसके साथ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑयल इंडिया कंपनी डिविडेंड के लिए शेयर खरीदने का आखिरी दिन होगा, और रतन टाटा स्टील में 2 पर 1 बोनस शेयर जारी करेगी कंपनी, जिसके चलते ये हमारी रडार पर रहेगा। KEI इंडस्ट्रीज, सुंदरम केमिकल, TVS मोटर में भी डिविडेंड के लिए शेयर खरीदने का आखिरी दिन होगा। इसके साथ ही द्वारिकेश शुगर में शेयर बायबैक का आखिरी दिन होने वाला है। अब IPO की बात करें तो पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की लिस्टिंग होने वाली है, जिसके चलते वो हमारी नज़र पर रहेंगे। अब शेयरों के लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं, तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस में 3% एक्विटी के लिए, डोम्स इंडस्ट्रीज में 2% एक्विटी के लिए, आइनोक्स इंडिया में 4% एक्विटी के लिए, इंटेरो हेल्थ केयर में 7% एक्विटी और विभोर स्टील ट्यूब्स में 4% एक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड अगले हफ्ते खुलने जा रहा है, जिसके चलते ये शेयर्स हमारी नज़र में रहेंगे। जी हाँ, तो ये थे वो क्यूज जिन पर अगले हफ्ते हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो अगले हफ्ते किन बड़े इवेंट्स पर आपको नज़र रखनी है उसकी जानकारी हमारी सहयोगी ने आपके सामने रखी। अब इन सब के बीच में ज़रा कुछ स्टॉक्स पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रवि, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। UPL, अगर हम इस स्टॉक को इस हफ्ते के कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही शानदार, मतलब गिरावट वाले बाजार में भी इसने जिस तरह की आज रैली दिखाई और इन सब के बीच में भी इसने एक तरह का होल्ड रखा, UPL को लेकर क्या नज़रिया बन रहा है? आज हम देखें तो आज के आज इसने ये 3% के ऊपर चढ़कर बंद हुआ। हालांकि पिछले 5 दिनों में हल्की यहाँ पर गिरावट, जैसे मैंने कहा कि इसने अपना जो एक लेवल था उसे पकड़ के रखा हुआ था और आज फिर से उसे पाने की कोशिश की। UPL यहां से कहां जाता दिख रहा है? बिल्कुल प्रशांत जी, आपने सही स्टॉक लिया है, क्योंकि इसमें बड़ी उम्मीदें थी और इस स्टॉक में एक टाइम था जब बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद नेगेटिविटी ट्रेंड में आया। और अच्छी बात यह कि आपने जिस जगह पर उठाया, जैसे आज आपने 476 की क्लोजिंग इस समय आप देख रहे हैं और बॉटम इसने बनाया है 455 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, मोमेंटरी निवेशक है तो मत करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 455 का, 450 का स्टॉप लॉस लगाकर 25 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, होल्ड भी करनी चाहिए अपनी पोजिशंस को। अगर आपने ऊपरी लेवल पे ले रखा है, एवरेज करना चाहिए। अब टारगेट की बात करते हैं, पहला टारगेट 540, दूसरा टारगेट 580 रुपए, और इन लेवल्स तक अभी आएगा आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 620 का टारगेट, आप तब तक आप वेट वॉच की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है सही जगह पे आपने ये नंबर नॉक किया है और यहां पर निवेशकों को मंडे को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो UPL को जरा फोकस में रखिए, अहम रणनीति रवि ने आपके सामने रखी। निवेश सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और एक और स्टॉक जो इस हफ्ते मैं कहूंगा कि जिसने कहा कि दबाव भरे बाजार में भी अपने आप को संभाले रखा, बजाज फिनांस। बजाज फिनसर्व में हालांकि हमने देखा कि एक वक्त पे तेजी नजर आई और वहां पर थोड़ी वॉलिटिलिटी रही, लेकिन बजाज फिनांस हमने देखा कि अगर हम पिछले 5 दिनों में देखें तो यहां पर एक तरह का होल्ड स्टॉक ने बनाकर रखा। बजाज फाइनेंस में आगे के लिए क्या रणनीति आप सुझाएंगे? देखिए, बजाज फाइनेंस के अंदर बात करें, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड जो एक रिकवरी तरफ हो रही है,
और पर्टिकुलरली जिस तरह से वाइट गुड्स की डिमांड ग्रो हो रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस जो है वो काफी अच्छा कर रहा है। ऑल ओवर सेंस के अंदर बात करते हैं, एक क्वालिटी कंपनी है और पिछले काफी टाइम से हम लोग स्टॉक के अंदर एक रेंज के अंदर घूमते हुए देखा था। मुझे लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस करंट लेवल से व्यू बुलिश है, लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जब जब भी वोलेटिलिटी आएगी मार्केट, तब क्वालिटी स्टॉक की तरफ देखेगा और ये क्वालिटी स्टॉक है, तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस जो है ये आपको वोलेटिलिटी के अगेंस्ट आपको एक प्रोटेक्शन दे सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म निवेशक है और अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद नहीं और सेफ्टी आप चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि बजाज फाइनेंस जो है वन ऑफ द बेस्ट बाय हो सकता है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर व्यू मेरा बुलिश। फाइनेंस पर व्यू बुलिश निमेश जी का इस वक्त आता हुआ। वैसे अदानी ग्रुप के शेयरों में एक्शन कम नहीं था और ये एक्शन मैं कहूंगा कि पॉजिटिव साइड में ही ज्यादा था। जी हाँ, इस बाजार में भी अदानी ग्रुप के शेयरों में अगर हम देखें, खास तौर पे आज हम देखें अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, एक दिन जिस दिन बाजार ने जबरदस्त उछाल दिखाया वहां पर अदानी विल्मर भी तेजी का मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। जरा अदानी ग्रुप के शेयरों पर भी एक व्यू लेते हैं। रवि, अदानी ग्रुप के शेयरों पर क्या फ्रेश व्यू आपका बन रहा है? आगे के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? प्रशांत जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि आप पता नहीं कैसे नब्ज को बहुत पकड़ते हैं, और एक अदानी ग्रुप का एक ऐसे ये ऐसे शेयर है जिन पे ज्यादातर लोगों की जो है वो इच्छा होती कि क्या इस पे चल रहा है, मुझे पता चले इन्वेस्टमेंट है, करना है नहीं करना है, और आपने सही टाइम पे पकड़ते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल पे जाता हूँ क्योंकि आपने सभी स्टॉक की बात की तो मैं सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस ये ट्रेंड से अगेंस्ट चलते हैं, इनको निफ्टी का ट्रेंड डाउन हो मार्केट अप हो उससे बहुत ज्यादा कुछ खास मुझे रिलेशन नहीं दिखाई देता। ये अपनी चाल चलते हैं, मार्केट में करेक्शन है तो भी खड़े रहेंगे और नहीं करेक्शन हो और तेजी हो तो भी ये गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा जिनको बहुत एक्टिव रिटर्न चाहिए और इमीडिएटली आप ट्रेड कर रहे हो, डे टू डे बेसिस पे कर रहे हो, उनके लिए ये स्टॉक्स अच्छा इंट्राडे में अच्छे प्रॉफिट देता है। पहला टारगेट की बात कर लेते हैं, अदानी सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, मुझे लगता है 1150 तक के लक्ष्य आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा है अदानी इंटरप्राइजेस, देखिए 3250 तक अभी ये लेवल जाते हुए नजर आएंगे, 3134 चल रहा है। मुझे लगता है जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ, टारगेट बता रहा हूँ, उन पे प्रॉफिट बुक करिए, दोबारा फिर मौका देता है। ये एक ऐसा स्टॉक है दिन में कई बार मौके देता है। अदानी ग्रीन की बात कर लें, 2000 और 2100 के टारगेट आएंगे, लेकिन 2000 पे प्रॉफिट बुक करना बनता है। अब खरीदारी करने के लिए कहां पर खरीदना है, जैसे ही थोड़ा डिपो खरीदिए, 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, अपसाइड मोमेंटम लीजिए और इस टाइप का कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी होल्ड करके रखें। अदानी पोर्ट की बात कर लें, 1350 के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते में, 1280 रुपए यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अदानी पावर की बात करें, 530 रुपए तक चल रहा है, 545 रुपए तक का लक्ष्य जा सकता है। खरीदारी के लिए 520 और 525 के बीच की खरीदारी करें, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, अच्छा है। लेकिन इसके साथ में एक और इनका फ्रेंड है, वो है अंबुजा सीमेंट, जिसे कि आप 600 रुपए पे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिए। कल के भी उसमें मैंने आपको अंबुजा सीमेंट ध्यान दिलाया था, अभी भी रखिए क्योंकि ये 630 रुपए के लक्ष्य वापस से अचीव करता हुआ नजर आएगा। अब आपने एक और छेड़ा था जो है AWL, जब तक ये 400 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं चलेगा। अब नीचे कितना आएगा, नीचे में खरीदने के लिए ध्यान रखिए, जो मैं स्पेसिफिक लेवल बता रहा हूं आपको लेना है तो 320 से पहले देखिए ही नहीं इसकी तरफ, और 320 पे आ जाए तो 300 के स्टॉप लॉस से लीजिए, और जैसे ही 380 आ जाए बुक कर लीजिए, प्रॉफिट मत सोचिए। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए, मुझे लगता है बेहतरीन रिटर्न कमाएंगे, बेहतरीन रिटर्न बिल्कुल पाएंगे और ईटी स्वदेश को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नजरिया। समय कम है, फटाफट से वीआईपी शेयर की ओर बढ़ते हैं। और रवि, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले निमेश जी आपके पास आना चाहता हूं। बताइए फटाफट से, समय कम है, आपकी आज वीआईपी पिक कौन सी है? देखिए, मेरी वीआईपी पिक जो है वो मारुति है। मुझे लग रहा है कि अभी के मार्केट के अंदर जो लार्ज कैप लेगर्ड्स है वो आउट परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, और मारुति हम लोग देख रहे हैं कि काफी टाइम से इन्वेस्टर को ज्यादा परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं और इंटरेस्ट रेट कट्स की भी बात। थोड़ी तकलीफ में है, आवाज़ नेटवर्क की इशू है। मारुति सुजुकी पे लेवल्स भी हमने आपके सामने रख दिए हैं। रवि, बताइए आपकी पसंद क्या है? कि मैं बहुत बड़े स्टॉक्स नहीं, छोटे स्टॉक्स, दमदार स्टॉक्स लेता हूँ। पहला है SJVN, 122
और 24 रुपए चल रहा है, खरीद लीजिए, 145 तक जाएगा, रिस्क बड़ा कम है, लोअर लेवल पे बाइंग का मौका मिल रहा है 115 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक है इरिकॉन, फिर से रेलवे आ गया, अब रेलवे छूटता नहीं है, रेलवे आ गया, रेलवे को खरीदते हैं 216-217 रुपए जो चल रहा है उस पर मंडे को खरीदे, 255 रुपए का लक्ष्य, बड़ा सेफ लक्ष्य यहाँ पर मिल सकता है, स्टॉप लॉस 205 रुपए चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो ये दो स्टॉक जो कि आप एवरेज करना हो तो लीजिए, नया एंट्री लेना है तो लीजिए, लॉन्ग टर्म रखना है तो भी लीजिए। बिल्कुल, तो ये है VIP में वो स्टॉक जहां पर आपके कमाई के मौके बन सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, रवि और निमेश आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए, हमें दीजिए इजाजत, आगे देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।